खंडवा रेलवे स्टेशन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रेलवे स्टेशन पर लगे पैदल पुल पर लगे लिफ्ट खराब होने से उसमें दो बच्चे सहित चार दंपति फंस गए। लिफ्ट खराब होने पर वे घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए आवाज लगाई लेकिन बंद लिफ्ट में अंदर से आवाज बाहर ना जा पाई। अंदर फंसे लोगों के लिए राहत की बात यह रही कि उनके फोन चालू थे और उन्होंने खंडवा निवासी अपने स्वजनों को लिफ्ट में लिखे नंबर पर फोन लगाया। इसके बाद रेलवे के कर्मचारी पहुंचकर लिफ्ट खोलने का प्रयास किए। इस दौरान लिफ्ट में फंसे एक वर्ष व चार वर्ष के बच्चे घबराने लगे। उन्हें बिस्किट व पानी पहुंचाया गया। अंदर फंसे लोगों के लिए परेशानी उस वक्त और भी बढ़ गई जब स्थानीय मैकेनिक लिफ्ट को नहीं खोल सके। दो घंटे के बाद बुरहानपुर से पहुंचे कंपनी के मैकेनिक ने लिफ्ट खोलकर परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। अजमेर से खंडवा गया एक परिवार रेलवे स्टेशन के लिफ्ट में फंस गया। ये लोग जैसे ही लिफ्ट में गए लिफ्ट बंद होने के साथ अटक भी गया, जिसे करीब दो घंटे तक वे लोग फंसे रहे। बाद में रेलवे की टीम आई और लिफ्ट को चालू किया जिससे वे सभी बाहर निकल पाए। फंसने वालों में दंपति व उनके दो मासूम बच्चे थे। ये सभी लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ खंडवा आए थे। जानकारी के अनुसार अजमेर का एक परिवार खंडवा अपने रिश्तेदार भगत सिंह वार्ड से भाजपा पार्षद एजाज कुरैसी के यहाँ आए थे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह 8 बजे खंडवा रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में बैठे फिर लिफ्ट बंद होने के बाद अटक गई। बाद में रेलवे प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन की सूचना पर टीम पहुंची और दो घंटे बाद उनको बाहर निकाला जा सका। रेलवे स्टेशन पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। चार माह पहले भी चालू लिफ्ट अचानक बंद हो गई थी जिसमें 8 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए थे। मंगलवार को जब यह घटना हुई तो मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल भी पहुंच गए। पार्षद एजाज कुरैसी ने बताया कि इस मामले में रेलवे की लापरवाही देखने को मिली। हमारे रिश्तेदार घंटों तक लिफ्ट में फंसे रहे। रेलवे का काम तो काफी फास्ट होता है लेकिन देखने को मिल रहा है कि यह तो नगर निगम से भी ज्यादा लापरवाह है। भैया पीछे 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 को बच्चा कितना सा है? वो सब आ जाएंगे बाहर, सब आ जाएंगे। खड़े हो, दो मिनट इंडियन न्यूज के लिए खंडवा से शेख रिहान की रिपोर्ट।